तो दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपना परिवार बंधन पाठशाला में। तो दोस्तों मैं मनोरंजन आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 का इंग्लिश जो मॉडल सेट है सेकंड उसमें डिस्कस करेंगे। ओके तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जो भी पीडीएफ मैंने सारे जो बंधन पाठशाला जो उसमें प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा, उसमें जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा जो पीडीएफ है मैथ का हो गया साइंस का हो गया फिर इंग्लिश का जिसका भी हो आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा वहां पर। आप जाइए चैनल पर जाइए वहां प्लेलिस्ट में आपको सारा मिलेगा, इसलिए विजिट कीजिए आप। ठीक है तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। नाउ देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आज मैं बात करने वाले हैं मॉडल सेट सेकंड। इसे बात करेंगे मॉडल सेट सेकंड का, जिसमें देना ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद में सब्जेक्टिव भी आएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं उसके बाद सब्जेक्टिव आएंगे। ओके तो देखिए सबसे पैसे दिया क्या दिया, पहले पैसे दिया पैसे को पढ़ते हैं, पहले पैसे क्या बोल रहा है, पैसे को समझ लिया अच्छा से तो क्या होगा हमें आसानी से जो सॉल्व होगा करने में जो क्वेश्चन है सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। ओके दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पैसे दिया हुआ है, पैसे क्या दिया हुआ है बोल रहा है क्या, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम यूजलेस। क्या दिया हुआ है पुलिस में होगा, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम यूजलेस, मतलब बोल रहा है क्या जो दिल्ली में जो दिल्ली में यमुना नदी है, कौन सा नदी है ये यमुना रिवर है यमुना नदी है वो क्या काफी पॉल्यूटेड हो चुका है, इतना प्रदूषित हो चुका है कि वह पानी का यूज करना क्या सब बेकार हो चुका है, इतना यूजलेस हो चुका है, इतना बेकार हो चुका है, इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, कहाँ का जो दिल्ली का यमुना रिवर मतलब यमुना नदी। देखिए आगे बोल रहा है क्या, द वाटर ऑफ देयर रिवर इज मोस्ट पॉपुलेट पॉल्यूटेड एंड हैज रिसीव्ड ई ग्रेड इन द टर्म ऑफ क्वालिटी, मतलब इतना गंदा पानी हो चुका है किसको है ना कि ई ग्रेड मिला हुआ है, तो ना सबसे टॉप पर से आता है ए बी सी डी ई, तो सबसे ई जो होता है लोएस्ट ग्रेड होता है उसका जो क्वालिटी है पानी की जो वाटर का जो क्वालिटी है उसको किसका दिया गया, उसको दिया गया ई ग्रेड दिया गया है। देखिए आपको दिया कौन सा ग्रेड दिया हुआ है, देखिए पर क्या दिया हुआ है ई ग्रेड दिया, क्या दिया हुआ है ई ग्रेड, कौन सा ग्रेड तो ई ग्रेड दिया हुआ है यहाँ पर, इतना पॉल्यूटेड हो चुका है यमुना का पानी। देखिए अगर बोले दिस इज द लोएस्ट ग्रेड विच इंडिकेट द सेवरिटी ऑफ पॉल्यूशन इन द वाटर, मतलब इतना खराब हो चुका है कि इसका पानी का उपयोग करना बहुत मतलब बहुत ही मतलब बहुत बेकार, इतना मतलब बेकार इतना पानी हो चुका है कि हम लोग इसका यूज भी नहीं कर पाएंगे, इस तरह का पानी हो चुका है, इतना पॉल्यूटेड हो चुका है पानी। ठीक है बोला क्या, सम 50 इयर्स एगो द यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन, मतलब कि आज से लगभग कितना 50 इयर्स ना बोला है 50 मतलब 50 मतलब 50 होता है, तो आज से 50 साल पहले यमुना जो पानी था कैसा था नीट एंड क्लीन, कैसा था क्लियर एंड क्लीन था, मतलब स्वच्छ और क्या था साफ पानी था, बहुत अच्छा स्वच्छ पानी था और इतना क्लीन था बड़ा साफ था और क्या स्वच्छ पानी था, इतना बहुत अच्छा पानी था। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है कैसा है, अभी इसमें ऐसा हो चुका है कि इतना पॉल्यूटेड जो पानी है यमुना का तो पूरा पॉल्यूटेड मतलब बहुत प्रदूषण हो चुका है, मैंने देखा है, मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली में रह चुका हूं, मैं जानता हूं कैसा वहां पर वाटर है, इतना बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुका है। ओके नेक्स्ट वाला क्या, मेनी वाटर प्लांट्स सच एज वीड्स एल्गी एंड शर्ब्स ग्रो इन द वाटर और अलोंग बैंक ऑफ द रिवर, मतलब कि इतना देखिए मेनी ऑफ द प्लांट सच एज वीड्स एल्गी शर्ब्स ग्रो इन द वाटर और अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, मतलब इतना खराब हो चुका है कि पानी में क्या मिलेगा आपको एल्गी मिलेगा, क्या मिलेगा वीड्स मिलेगा एल्गी मिलेगा शर्ब मिलेगा, मतलब क्या होता है पानी जब पॉल्यूटेड गंदा हो जाता है पानी क्या होता है वहां पर हरा रंग का हो जाता है ना पूरा वाटर में हरा रंग का हो जाता है पूरा शर्ब होता है एल्गी, मतलब क्या होता है तो सवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सवाल बोलते हैं, बीज के पौधा वाटर इतना गंदा हो चुका है कि पूरा हवा पूरा पानी में हरा रंग मिलेगा इतना इतना इस टाइप का हो चुका है वहां का पानी। दिस प्लांट्स वेयर द मेन सोर्स ऑफ फूड आर एक्वेटिक क्रिएचर, मतलब इतना खराब हो चुका है पानी इतना में पौधा से उगाया कैसा है सहारा जगह है वहां जो जीव जंतु क्या उसके लिए एक्वेटिक क्रिएचर, मतलब कि जो जीव जंतु होता है जो पानी में रहने वाला जीव जंतु हो गया उसके लिए खाने का समय होता था वो, ए नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स कुड सी द अलोंग द रिवर। ठीक है तो जब अच्छा पानी था वहां पर क्या था हमारा जब अच्छा पानी था तो अब जो है ना कि हरा जो उगता है तो क्या होता है स्वच्छ पानी तो क्या वहां पर देखिए जब हरा रहता क्या था बहुत सारे चिड़िया आते हैं क्या आते हैं अपना खाना खाते हैं कोई मछली हो गया पकड़ने के लिए बगुला हो गया इसे बहुत सारे बर्ड्स होता है विभिन्न तरह के बर्ड्स होता है वो वहां पर आते थे कहां पर यमुना नदी का रिवर पे आते थे किसलिए अपना खाने के लिए। विद द ऑनसेट ऑफ विंटर थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कुड कम हियर टू फीड इन द यमुना वाटर, मतलब कि बोल रहे क्या विद विंटर थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, मतलब कि जब कब विंटर में क्या था सर्दी होता है सर्दी के मौसम में हजारों की संख्या में बर्ड्स आते थे वहां पर क्या
बर्ड्स आते थे माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड किसे कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड वो होता है जो यहाँ पर अभी क्या समय को समझा जाता है, गर्मी का वक्त क्या ठंडा, जो ऐसा पक्षी जो ठंडा मौसम रहता है, तो क्या हो गया जहाँ पर गर्मी पड़ रहा है, क्या होगा जहाँ पर ठंडा इलाका हो, जो ठंडा पानी हो, तो क्या वहां पर आके वो क्या माइग्रेट करते हैं, वहां से उठ के यहाँ पर चले जाता था। बोलता है क्या, जब सर्दी का मौसम होता था उस समय हजारों की संख्या में पक्षी वहां पर आते थे, कहां पर? यमुना नदी के किनारे पर। ठीक है, ओके। नाउ सैडली दिस वाटर स्पेसिफिक एंड द बर्ड्स हैव द वैनिश एंड डाइड, मतलब इतना खराब हो चुका पानी कि आपको वहां जब जाइएगा नदी के किनारे आपको ना तो बर्ड्स मिलेगा और ऐसा ना कुछ भी जीव जंतु स्पीसीज ना क्या जीव जंतु होता है, कहता है कि भूमि में रहा जो जहाँ कीड़ा जो जीव जंतु होता है स्पीसीज मेरा जीव जंतु, तो विभिन्न जीव जंतु हो गया या फिर बर्ड्स हो गया चिड़िया हो गया, आपको कभी कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि सारा जो पक्षी ऐसा लगता है मानो कैसा लगता है कि पूरा सब खत्म हो चुका है, वैनिश हो चुका है, मतलब बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। या फिर क्या वैनिश और डेड, या तो खत्म ही हो चुका है या फिर मर चुका है, ऐसा प्रतीत होता है आजकल देखने पर। जाइएगा ना पर आपको देखने को मिलेगा पूरा पॉल्यूटेड हो चुका है, बहुत ही पॉल्यूटेड है। What one finds now are red worms called Trichinomonads which live in the most unhygienic and the polluted water। देखिए पानी इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि पानी में क्या हो चुका है, आप जाइए पानी जो आप रेड जो कीड़ा होता है ना, रेड कीड़ा होता है वो आपको कीड़ा आपको पानी में हमारे देखने को मिलेगा। उसका नाम दिया है क्रिनोमोट्स दिया हुआ, क्या दिया है क्रिमोट्स, उसका नाम क्या लाल कीड़ा होता है ना, उसका क्या नाम दिया हुआ है, उसका नाम है क्रिनोमोट्स। ये जो है किसका उसका नाम है, किसका वो जो कीड़ा का नाम है क्रिनोमोट्स है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ चुका है आप लोगों को, तो क्या होगा क्वेश्चन जो है आप बेहद ही आसानी से बना पाएंगे। देखिए चलिए बताते हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम, क्या बताया आपको यहाँ पर, देखिए बताया आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द वाटर ऑफ यमुना रिवर इन दिल्ली हैज बिकम यूजलेस, क्या चुका है यहाँ पर, यूजलेस हो चुका है, क्या चुका है यूजलेस, देखिए दिख रहा है प्योर दिख रहा है यूजलेस cold, cold और hot, तो क्या बताया मैं दिया को दिया हुआ है, the water of Yamuna river in Delhi has become useless, क्या हो चुका है पूरा पानी इतना खराब हो चुका है कि बर्बाद, मतलब कि उपयोग करने लायक ही नहीं बचा हुआ वहां पर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या बोल रहा है क्या, Why did the birds migrate to Yamuna water during the winter season? बोलता है कि यमुना जो यमुना रिवर है वहां पर सब सर्दी के मौसम में और चिड़िया जो माइग्रेट बर्ड्स थे, चिड़िया जो आती थी पलायन के लिए आती थी यहाँ पर, तो किस लिए आती थी वो, टू फीड इन द स्विम यमुना रिवर, तो टू स्विम इन द यमुना रिवर, क्या तैरने के लिए यहाँ पर, फिर खाना खाने के लिए, ठीक है स्विम मतलब तैरने के लिए, टू द एंजॉय इन द यमुना रिवर, क्या मस्ती करने के लिए यमुना रिवर पर आते थे, या फिर नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो बर्ड्स वहां पर आते थे, क्यों आते थे वहां पर बर्ड्स, वो आते थे किस लिए, खाने के लिए, किस लिए, वहां जो जो थोड़ा है ना कि प्लांट्स जो था जो खाती है बर्ड्स पर जो मछली वछली होता है खाने के लिए आता है, तो किस आते थे यमुना पे, तो टू फीड, मतलब कि खाने के लिए वहां पर बर्ड्स, वहां पर जो चिड़िया थी वो सब आते थे वहां पर। बोलेगा सम 50 इयर्स एगो, क्वेश्चन नंबर 3, बोले सम 50 इयर्स एगो द यमुना वाटर वाज, मतलब 50 साल पहले यमुना रिवर कैसा थी, तो यमुना रिवर कैसा थी, बोले ब्लैक थी, ड्राई थी, या फिर पोल्यूटेड, या फिर क्या क्लीन एंड क्लियर, क्या दिया हुआ है, क्लीन एंड क्लीन, क्लीन एंड क्या होगा गलत दिया, देखो क्या दिया हुआ, देखिए दिया हुआ है, बोला क्या यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन, क्या था साफ और क्या था क्लियर, साफ और क्या स्वच्छ था, क्लियर एंड क्लीन था, कैसा था साफ और स्वच्छ था। देखिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या बोला है, देखिए सब 50 इयर्स एगो यमुना रिवर वाज कैसा था, क्लीन एंड क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वाटर ग्रेड हैज बीन गिवन टू द वाटर ऑफ यमुना, तो यमुना जो रिवर है उसको कौन सा ग्रेड दिया गया है, पता है अभी बताया ना कौन सा ग्रेड दिया, देखिए यहाँ पर देखिए पैसे में दिया हुआ है, कौन सा पैसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर वो रहा कौन सा ग्रेड है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ई ग्रेड, क्या दिया हुआ है ई ग्रेड दिया हुआ है, तो कौन सा ग्रेड दिया हुआ है यमुना रिवर को, अभी ई ग्रेड दिया हुआ है, इतना खराब हो चुका है पानी को ई ग्रेड मिला है इसको, तो बहुत चिंता है कि सोचने वाली बात है वहां पर, तो कौन सा ग्रेड दिया हुआ है, तो ई ग्रेड मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, देखिए बोला क्या, What could be seen along the river in large number? बोलता है कि हम लोग क्या देखते हैं, यमुना जो रिवर है वहां पर क्या देखने को मिलता है, वहां पर लार्ज संख्या में बहुत अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है वहां पर हम लोग को, देखिए वाटर बर्ड्स, फिर क्या दिया बोट्स, फिर पिलग्रिम्स, या दिया क्या बिल्डिंग्स,
तो हम लोग क्या देखे वहां पर, बर्ड्स देखे ना, चिड़िया देखे ना आपकी, जब सर्दी का मौसम होता है हजारों की संख्या में क्या बर्ड्स वहां पर आती है, तो वाटर बर्ड्स कहते हैं जो जल में, जो ऐसा ऐसा पक्षी जो जल में रहते हैं, तो वो जीव क्या वहां पर देखने को मिलता है हमें, तो देखा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ देख मैं क्या है, चिरोनोमर्स, ये जो दिया हुआ है किसके लिए नाम, किसके लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बर्ड्स को कर रहा है या फिर फिश को कर रहा है, किसको कर रहा है, फिश को कर रहा है या फिर वर्म्स को कर रहा है या फिर प्लांट्स को। तो रेड जो था ना, रेड जो कीड़ा था, रेड रेड कीड़ा जो गंदा पानी पर क्या था, रेड रेड कीड़ा ये हो जाता है, लाल रंग का जो कीड़ा होता है, तो क्या सर क्या नाम था, क्रिरोनोमेट्स दिया था, उसका नाम क्या है, वर्म्स था। वर्म्स क्या था, कीड़ा मकोड़ा होता है, क्या था, जो कीड़ा होता है, कीड़ा जो ऐसे जो कीड़ा जो होता है लाल लाल कीड़ा होता है, तो क्या होता है, बोलते हैं वर्म्स होता है, मतलब कीड़ा होता है, ठीक है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्या सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ द फूड फॉर द एक्वेटिक क्रिएचर। बोलता है कि जो एक्वेटिक क्रिएचर, जो जल में रहने वाले जीव क्रिएचर, जीव जंतु हैं, उसे उसका मेन सोर्स क्या होता है, तो क्या होता है मेन सोर्स का, विड्स होता है या फिर एल्गी होता है या फिर सर्व होता है, फिर ऑल ऑफ दिस होता है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था बताइए, मैंने बताया था क्या, क्या दिया हुआ है पैराग्राफ में, देखिए ये पैसे दिया, देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द मेन सोर्स ऑफ, देखिए दिया हुआ है द मेन सोर्स ऑफ फूड एक्वेटिक क्रिएचर, और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बर्ड्स अराउंड द सीड इन द रिवर, ठीक है, उसके ऊपर देखिए यहाँ पर, उसके ऊपर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, विड्स एल्गी एंड सर्व, क्या दिया हुआ है, विड्स एल्गी एंड सर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसके लिए बहुत काफी संख्या होता है ना, तो क्या देगा ऑप्शन नंबर, क्या देगा यहाँ पर बताइए आप लोग, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए क्या दिया हुआ, देखिए तो क्या ऑल ऑफ दिस जगह पर क्या है, विड्स भी मिला देखने को, एल्गी भी मिला और क्या सर्व मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बोले क्या, व्हाट वर्ड इन द पैसेज मींस डिसअपीयर्ड, क्या होता है डिसअपीयर, क्या होता है अपीयर, क्या होता है अपीयर, मतलब होता है कि प्रतीत होना, तो डिसअपीयर क्या बोला है, मतलब प्रतीत नहीं होना, तो क्या हो चुका है, प्रतीत कब कब नहीं होता है, जब पूरा खत्म हो गया हो या फिर क्या समाप्त हो गया हो, तभी ना प्रतीत नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वालिटी दिया हुआ है, ऑनेस्ट दिया हुआ है, ऑनसेट दिया हुआ है, फिनिश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अनहाइजीन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा डिसअपीयर, मतलब क्या कि प्रतीत ही नहीं हो रहा है, तो डिसअपीयर हो गया, तो कैसा हो जाएगा उसका, वैनिश, क्या समाप्त हो गया, क्या गया, पूरा वैनिश हो गया, मतलब समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो ऑप्शन में जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब मैं आते हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेट टू का है, देखिए क्या दिया भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन द क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है, तो जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है, क्या सेलेक्ट करना है, देखिए बताइए क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, एक लेटर दिया हुआ है, आपको पढ़ना है आपको, ठीक है। नाउ देखिए टू फिल इन द ब्लैंक्स, जे बी एच एस सिल्ली, क्या दिया है, सिल्ली का दिया हुआ है, तो क्या भराएगा यहाँ पर, सर वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, वी कैन नॉट मेक फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इट इज बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, तो जो फिल इन द ब्लैंक को दिया हुआ है, फिर प्रत्येक फिल इन द ब्लैंक्स को क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है को भरना उसमें, देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, पहले से तो क्या टू दी, तो क्या सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल को हम लेटर लिख रहे हैं, तो क्या होगा, तो क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है ना वो, तो इसमें क्या होगा, टू दी प्रिंसिपल, क्या लिखते हैं, टू दी प्रिंसिपल, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन देखो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 का, किसान क्वेश्चन 9 में क्या है, द हेडमास्टर दिया हुआ है, द हेडमास्टर दिया हुआ है, द हेडमास्टर और द हेडमास्टर, तो इसमें क्या मिल रहा है, तो शुरू में देखिए स्मॉल से लेटर से होता नहीं है, तो क्या होगा, तो होगा नहीं, यहाँ स्मॉल लेटर दिया होगा नहीं, तो क्या होगा, द हेडमास्टर दिया हुआ, हेडमास्टर और द हेडमास्टर, क्या है, दोनों का सेम सेम ही है, क्या है, ए में भी सेम लिखा हुआ है और डी में सेम है, तो जो होगा ना आप इसको भी मार सकते हैं, इसको इसमें क्या हो, जब ए और डी होता है तो सबसे पहले जो आ रहा है आप उसे मार कीजिएगा, जब जो दो दो क्वेश्चन दो ऑप्शन मिल रहा हो तो उसे पहला जो होता है आप पहला को मार्क कीजिएगा, तो पहला करेक्ट आंसर होगा, दोनों सही है बट पहला को मार्क कीजिएगा, मैं क्या करता हूँ पहला को मार्क करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ए बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, तो उस जो पीरियड था सैटरडे का, उस हम जो 45 मिनट्स मिल रहा था उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, तो क्या बोलेगा, वो जो समय जो पीरियड था, समय जो था ना, तो किसके लिए था, देखिए यहाँ पर दिया था आपको, क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 बोला क्या, वी हैव लाइब्रेरी पीरियड 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, वी कैन नॉट मेक, है ना, कि जो जो समय मिलता है 45 मिनट्स मिलता है सैटरडे को, हम लोग जो पीरियड है वो समझो मतलब मिलता है पढ़ने के लिए, जो भी करने के लिए मिलता है, तो पढ़ने के समय मिल रहा है, हम इसे बर्बाद करना नहीं चाहते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या है ना, पढ़ना चाहते हैं ना, उस पीरियड को पढ़ना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं उसका अच्छा उपयोग करना चाहते हैं, तो क्या जाएगा इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा यहाँ पर, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बोला क्या, देखिए पहले पैसे आते हैं,
क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, इट इज बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो इतना बहुत सारा बुक्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो बात करें लाइब्रेरी का बात कर रहे थे, क्या लाइब्रेरी में होगा यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा। तो क्या दे ऑप्शन देखा है, देखो उसमें इलेवन देखा दिया हुआ है, क्या हॉस्टल दिया हुआ है, स्कूल हॉल दिया हुआ है, क्लासरूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्कूल लाइब्रेरी। तो क्या देगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी होगा इलेवन का, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है मैं देखता हूँ आगे 12 में क्या बोल रहा है। देखिए ऑन द बिहाफ माई क्लास, क्या दिया हुआ, ऑन द बिहाफ माई क्लास फिल इन द ब्लैंक्स, यू टू एड सम मोर बुक्स टू लाइब्रेरी, वी शैल बी फिल इन द ब्लैंक्स टू यू। तो क्या हो गया पर, तो हम लोग क्या करें, हमें जो समय मिलता है हम लोग क्या, माई क्लास एडिटर सम बुक्स, मतलब कि जो हम लोग किताब मिलता है तो किताब के साथ जो एक्स्ट्रा बुक है और उसको भी क्या करें ऐड कर दे, ताकि क्या होगा हमको पढ़ने, हम लोग जो पढ़ने में सहूलियत होगा, हम लोग अच्छा से पढ़, जो समय मिल रहा है हम लोग पढ़ने के लिए, हम लोग उसका अच्छा से उपयोग कर पाएंगे, सदुपयोग कर पाएंगे। ओके देखिए यहाँ पर तो क्या बनाएगा यहाँ पर बताइए आप लोग, तो क्या बनाएगा यहाँ पर, ऑर्डर भराएगा या फिर रिक्वेस्ट भराएगा या फिर बैग भराएगा या फिर स्टेट भराएगा। तो हम लोग प्रिंसिपल से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए क्या होगा पर क्या देगा बी हो जाएगा, क्या रिक्वेस्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, वी शैल बी फिल इन द ब्लैंक्स टू यू। तो हमने क्या, वी शैल बी हाईली है ना थैंकफुल टू यू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी शैल बी थैंकफुल, क्या दिख रहा है, क्या दिया, थैंकिंग दिया हुआ है, थैंक यू दिया, थैंक्स दिया हुआ है, थैंक्स दिया हुआ है और थैंकफुल। तो क्या बनाएगा इसमें, वी शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू। तो ऑप्शन मुझे डी होगा दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 तो हो चुका ना, 13 हो चुका, 14 बोला क्या, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मैं देखता हूं आगे, देखिए क्या दिया हुआ है, बोला क्या यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो क्या बनाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स सुनीता या फिर सुनील क्लास 10 10B रोल नंबर 6 दिया हुआ है। जब भी आपका फॉर्मल लेटर जब आए तो आप भी ऐसा कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, योर्स ऑबेडिएंटली होता ना, आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते ना हम लोग, तो आपका आज्ञाकारी छात्र क्या, योर्स ऑबेडिएंटली, ठीक है, अपना नाम देना है पहले, जब पैसे मिलेगा ना, जो लेटर मिलेगा आपको तो आप भरना है आपको, बट मैं यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर, तो योर्स ऑबेडिएंटली आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, योर ऑबेडिएंटली, क्या दिया, योर्स ऑबेडिएंटली, योर्स ऑबेडिएंट, और क्या दिया, योर्स ऑबेडिएंट, क्या योर्स ऑबेडिएंटली, क्या जाएगा, योर्स ऑबेडिएंटली। सो ऑप्शन नंबर बी होगा दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों मैं तो हो चुका है, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन हमारा, मतलब कि जो टाइप है टाइप थर्ड क्यों, क्या दिया, टाइप थर्ड है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या दिया होगा, सही जो सही है प्रत्येक ऑप्शन को देखना है पढ़ना है और जो करेक्ट आंसर सही जो ऑप्शन है उसको आपको मार्क करना है, मतलब सही टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 15 में ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं पर, वाटर फिल इन द ब्लैंक्स 800°C। तो क्या जो वाटर होता है तो क्या है, 100 डिग्री पर जब पानी उबलने लगता है या तो खोलने लगता है, तो क्या रहा है, उबार रहा है ना, तो क्या बॉइल्स, तो क्या बॉइल्स पर उबल रहा है ना, तो उबलता है, क्या था, 100 डिग्री पर जब पानी उबलता है कितना डिग्री पर, तो 100°C होता है, पानी क्या होता है, उबलने लगता है, तो खोलने लगता है, तो क्या जाएगा, बॉइलिंग होगा या फिर बॉइल्स होगा या फिर बॉइल्ड होगा या फिर क्या नॉन होगा, तो उबलता है कितना डिग्री, कितना डिग्री पर, तो पानी जो उबलता है कितना पता है, 100°C होता है, उतना भी पानी मतलब उबलने लगता है, तो क्या जगह बॉयल्स, क्या जगह ऑप्शन बी होगा दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बोलेगा चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको सही पैसिव वॉइस को चूज करना है, तो मैं चुनना है आपको, ठीक है, आई नाउ हिम, मैं इसे जानता हूँ, एक्टिव दिया हुआ, एक्टिव को पैसिव बदलना है, क्या है, एक्टिव को पैसिव को, ठीक है, तो हमने मैं बताया था, कैसे बताया था बताइए आप लोग, मैंने आपको बताया ना, क्या बताया था, इसे आई नाउ हिम दिया हुआ, क्या दिया, आई नाउ हिम, तो कौन सा देखिए पर, आई नाउ हिम, ये कौन सा टेंस है, ये भीवन है, प्रेजेंट टेंस से बात कर रहा है ना, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस से बात कर रहा है, जो प्रेजेंट टेंस का जब भी बात आ रही है, क्या करना है, इज या आर का प्रयोग करना है, क्या करना है, इज या आर का, जब पास्ट टेंस न्यू होता, के एन ई डब्ल्यू ई होता, के एन ई डब्ल्यू न्यू होता, तो पास्ट टेंस होता, तो पास्ट टेंस जब होता है क्या वहां पर, वाज और वेयर का प्रयोग करना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या दिया है, नाउ दिया है, नाउ कौन सा है, प्रेजेंट टेंस से बात कर रहा है, तो क्या यहाँ पर पास्ट, यहाँ पर लिखना है आपको इज और क्या कर, इज और आर का प्रयोग करना है, न्यू रहता है क्या, वहां पर हम करते वाज या वेयर का प्रयोग करते, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, नाउ दिया है, तो प्रेजेंट टेंस से बात कर रहा है, यहाँ पर क्या भरेगा, यहाँ पर क्या भरेगा, इज या आर भरेगा या फिर एम भरेगा, ठीक है, तो देखिए क्या दिया, आई नाउ हिम, तो पहले क्या था, पीछे से आ गया था ना, तो ही हिम किसके लिए आता है, हिम जो आता है किसके लिए, ही के लिए आता है, क्या ही, तो क्या देगा, ही, क्या दिया, नाउ दिया हुआ, क्या देगा, ही का क्या प्रयोग होता है, प्रेजेंट टेंस बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में क्या, भीमन में था, तो ही के साथ क्या होता है, इज यार, तो मुझे पता है क्या होता है, होता है इज होता है ना, तो ही इज, क्या देगा, ही इज, फिर क्या दिया हुआ है, नाउ, तो क्या होता है, सरूर क्या होता है,
पीछे जो आ गया ना फिर इसका प्रयोग भीतर होता है, क्या था भीतर, तो नाउ का भीतर क्या था नाउ न्यू नॉन, तो क्या देगा ही इज नॉन के एन ओ डब्ल्यू एन ही इज नॉन, तो क्या दिया आई, तो आई के लिए क्या प्रयोग होता है आई के लिए मी का प्रयोग होता है ही, तो क्या ही इज नॉन टू मी, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन, तो दिख रहा है देखिए ये तो नहीं, ये नहीं दिख रहा है देखिए ऑप्शन में बी है आपको मैच कर रहा है ना बी का, तो जो करेक्ट आंसर क्या देगा ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है देखिए 17 का क्वेश्चन दिया है काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यों अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए इसे पकड़ना होता है, क्या होता है कैसे पकड़ना होता है देखिए पैसिव वॉइस समवन इज स्टोलन माय बुक, मतलब किसी ने समवन या किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया मेरे बुक को चुरा लिया, कौन से मेरे बुक को चुरा लिया, देखिए यहां पर स्टील मतलब चुराना होता है, क्या होता है एस टी एल, क्या होता है एस टी एल चुराना होता है, अब क्या दिया हुआ है स्टील स्टॉल दिया, क्या दिया हुआ स्टॉल में कौन सा बात कर रहा है V2 का बात कर रहा है, कौन सा है भर का दूसरा रूप बात कर रहा है, क्या देगा पास्ट टेंस बात करते हैं, कौन सा बात है पास्ट टेंस, जब पास्ट टेंस क्या बताया आपको अभी तुरंत बताया मैंने, क्या बताया पास्ट टेंस जब भी हो तो क्या करना है वाज या वाज या वेयर का प्रयोग करना है, क्या करना है वाज या वेयर का प्रयोग करना है, देखिए यहां पर ओके देखिए कहते समवन स्टोल माय बुक, तो जब भी देखिए जब क्वेश्चन में समवन दिया हो वन दिया हो एनीवन दिया हो नोबडी दिया हुआ है तो नथिंग दिया हुआ है कई सब पैसेज में कभी पैसिव वॉइस बनाते थे क्या सब अपने आप हट जाते हैं यहाँ पर, क्या क्या नो है नो वन दिया रहेगा समवन दिया रहेगा वन दिया रहेगा समबडी दिया रहेगा नथिंग दिया रहेगा, तो ये जब हो रहा है इसको आपको पैसेज में एक्टिव को जब एक्टिव से ना कि आपको जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाइएगा तो क्या करना आपको इसका यूज नहीं करना है, ध्यान इसमें खत्म हो जाता है, क्या कर रहा है खत्म हो जाएगा ठीक है, तो जो मेरे पास बचा हुआ क्या बचा हुआ है देखिए हमारे बचा के पास क्या बचा हुआ है देखिए क्या बचा है मेरे पास समवन ये तो खत्म हो गया पर इसका काम खत्म हो चुका है, तो क्या जाएगा स्टोन माय बुक, तो जो माय है ना तो माय ये बुक है तो सबसे पहले आएगा तो क्या आएगा माय बुक आ जाएगा, यहाँ पर कौन सा टेंस है पास्ट टेंस V2 बताते ना V2 ना पास्ट टेंस, तो क्या आएगा पास्ट टेंस में क्या होता है वाज या वेयर का प्रयोग होता है, तो माय बुक कितना बुक है मेरे पास केवल एक ही बुक है तो माय बुक हो जाएगा, क्या होगा माय बुक, देखिए यहाँ पर ईज हो गया ईज होने पर होगा क्या जब पास्ट टेंस बात करते ये तो होगा नहीं ये खत्म हो चुका है, यहाँ ये वाज है तो होगा नहीं ये भी खत्म हो जाएगा, बचा ना आगे पास दो ऑप्शन बचा है आपके पास दो ही ऑप्शन बचा हुआ है देखिए, तो माय बुक वाज स्टोलन बाय समवन, तो समवन तो होगा नहीं समवन होगा क्या समवन नहीं होगा, क्यों मैंने आपको बताया ना कि वन हो नोबडी हो नथिंग हो इसमें प्रयोग इसका नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं बचा, क्या होगा माय बुक वाज स्टोलन से बचेगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में, बोला लुक द सन सन को देखो तो क्या होता है तो राइज या फिर रोज या फिर इज राइजिंग या फिर हैड बीन राइजिंग, तो हमने उगते हुए सूर्य को देखो उग रहा है ना उगते तो उगता है ना सूर्य का उगता है जब सूर्य को उगता है तो हम देखते हैं ना तो उगता है तो देखते हैं तो द सन क्या लुक द सन राइज क्या जगह द लुक द सन राइज इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि ही सिंग्स ए सॉन्ग दिस सेंटेंस इज इन बोलता क्या ही सिंग्स सी क्या दिया सी सिंग्स ए सॉन्ग वह एक गाना गाती है वह क्या है लड़की है ना लड़की ने सिंग्स है ना तो सी आया तो सी कर क्या था सी सिंग्स ए सॉन्ग तो लड़की गाना गाती है तो कौन सा टेंस पूछ रहा है क्या सिंपल पास्ट है या सिंपल प्रेजेंट है तो क्या है सिंपल परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है या क्या है सिंपल फ्यूचर है तो कौन सा होगा तो लड़की गाना गाते हैं वह गाना गाती है तो वह गाना गाती है तो कौन सा आ गया गाती है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है किससे बात कर रहा है प्रेजेंट टेंस से बात कर रहा है तो क्या ऑप्शन जो बी होगा आपका सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा जगह सिंपल प्रेजेंट सो ऑप्शन में बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 कैसे क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है आई फिल द ब्लैंक्स रीडिंग नाउ कहता है आई फिल द ब्लैंक्स रीडिंग मैं अभी पढ़ रहा हूं नाउ को बात है ना मैं अभी पढ़ रहा हूं पढ़ रहा था ऐसा हो सकता है क्या ऐसा तो नहीं मैं प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा हूं ना तो क्या हो जाएगा आई फिल द ब्लैंक्स रीडिंग नाउ मैं अभी पढ़ रहा हूं तो क्या देगा आई क्या प्रयोग होता है आई से एम का प्रयोग होता है इसका प्रयोग होता है एम का आई एम क्या जाएगा आई एम क्या जाएगा यहाँ पर आई एम रीडिंग नाउ मैं अभी पढ़ रहा हूं तो क्या होगा वाज होगा इज होगा फिर एम होगा या फिर आर तो क्या होगा सब कुछ भी नहीं होने वाला ये भी नहीं तो क्या ऑप्शन सी होगा दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बताया ही डज नॉट नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू ड्राइव ए कार थोड़ा सा उत्तर देता हूं क्या बोल रहा है बोला क्या ही डज नॉट नाउ फिल द ब्लैंक्स टू ड्राइव ए कार मुझे नहीं पता कि गाड़ी को कैसे ड्राइव किया जाता है तो हाउ टू ड्राइव मुझे नहीं पता कि गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है कैसे चलाना है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तो क्या यहाँ पर हाउ टू ड्राइव हो जाएगा क्या जगह ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव हाउ दिख रहा है
हु उत्तर होगा नहीं, व्हाट भी नहीं होगा, हाउ। तो क्या जाएगा ऑप्शन जो बी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके तो अब मैं 21 बार 22 के बाद तो ट्वेंटी क्या बोला 22 में बोल रहा है द मॉडल वर्ब स्मोकिंग। तो क्या स्मोकिंग फिल इन द ब्लैंक्स काउज कैंसर। तो क्या होता है तो धूम्रपान करने क्या होता है धूम्रपान करने पर कैंसर हो सकता है। इसलिए कोई भी इतना भी आप हम सभी को किसी कोई भी है कितना भी स्टूडेंट है किसी भी को भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्यों बिकॉज देखिए आपको बोल रहा है ना स्मोकिंग फिल इन द ब्लैंक्स कैंसर। जो स्मोकिंग कैंसर क्या होता है कैंसर रोग हो सकता है। क्या होता है कैंसर होने में क्या होता है जो फेफड़ा होता है ना फेफड़ा में कैंसर हो सकता है। इसीलिए हमें किसी को भी हम सब जितना भी स्टूडेंट है तो हमें किसी को भी क्या करना है स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बिकॉज क्या है क्योंकि क्या होता है कैंसर होता है। कैसा होता है वो कैंसर होता है ना। इसीलिए देखिए तो क्या होता है स्मोकिंग फिल इन द ब्लैंक्स काउज कैंसर। जो अभी जो उम्र है ना पढ़ने का अभी ये बिगड़ने का उम्र भी है सुधरने का भी उम्र है। इसलिए जो उम्र है इसका यूटिलाइज कीजिए बढ़िया से और अच्छा नागरिक बनिए क्योंकि सुधरने का भी उम्र भी यही है और बिगड़ने का भी उम्र यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे बच्चे हैं और हम सब अच्छे बच्चे हैं है ना कि हम लोग अच्छा काम करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे झारखंड का भी नाम रोशन करेंगे करेंगे ना बिल्कुल करेंगे। तो क्या स्मोकिंग ब्लैंक्स काउज कैंसर। क्या होता है स्मोकिंग क्या स्मोकिंग कैन काउज कैंसर। क्या जाएगा स्मोकिंग तो मे होगा मे भी नहीं होगा मैं भी नहीं होगा कोई भी नहीं होगा। तो स्मोकिंग कैन क्या जाएगा स्मोकिंग कैन काउज कैंसर। तो स्मोकिंग क्या होता है कैंसर हो सकता है। इसलिए हम सभी को स्मोकिंग जितना भी है ना जितना भी जो युवा पीढ़ी है फिर कोई भी बुजुर्ग भी हो या फिर जो यंग भी हो किसी को भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ओके तो ये हम संदेश दे रही है। तो ये क्या था ग्रामर का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट फोर इसमें दिया हुआ है पैसेज क्या करना है बुक का जो बुक है बुक का पैसेज दिया हुआ है बुक का आपका जो है फर्स्ट फ्लाइट से दिया गया है फर्स्ट फ्लाइट का देखना है आपको। ओके तो 22 के बाद आगे बढ़ते 23 की ओर देखिए क्या बोला है 23 में उसके लिए पैसेज दिया क्या दिया पैसेज बोला कुर्गिस क्या बोला कुर्गिस होम से हैव ए ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकॉर्ड नंबर ऑफ टू टेबल द अवेलेबल रिटर्न। क्या बोला है इतना वहां पर जो कुर्गिस क्या बोला है कुर्गिस में जो है की एंड फादर एंड कुर्गिस रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। ये बोला है क्या कुर्गिस कुर्ग कहां पर है बताया कुर्ग कहां पर कर्नाटक कर्नाटक में कर्नाटक में है। तो कर्नाटक है मैंगलोर मैसूर और मंगलोर था ना जो डिस्ट्रिक्ट था वहां पर क्या था कुर्ग क्या था डिस्ट्रिक्ट था ना। तो जो कुर्ग है यहाँ पर कुर्ग जो है तो कुर्ग में इतना यहाँ पर इतना अच्छा इतना बहादुर सब होते हैं जितना भी लोग होते हैं कैसे होते हैं सब बहादुर होते हैं। वो इतना अच्छा होता है कि वहाँ पर बहुत जाइएगा बहुत ही हॉस्पिटैलिटी करेगा मतलब बहुत अच्छा से व्यवहार करेगा खाने देगा रहने के लिए देगा मतलब एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको रिस्पेक्ट जो होता है आदर सम्मान दिया जाता है तो बहुत अच्छा से मिलने वाला है। कहाँ पर तो कुर्ग में कहाँ पर मिलेगा कुर्ग में। तो बोले वहां इतना बहादुरी के लोग आए कि उसके बच्चे उसके बच्चे का बच्चे हुए ना तो अपने जो पीढ़ी थे ना कि मेरे दादा ये थे मेरा ये मेरे परदादा ने ये किया मेरा ये किया तो जो गुणगान जो होता है वहां पर बहुत तेज गुणगान किया जाता है। बच्चे जो आने वाली पीढ़ी भी खत्म हो जाता है वो भी अपने जो पीढ़ी का आने वाले जो भविष्य बीत चुका था उसको क्या कहते हैं गुणगान करते हैं। क्या करते हैं ऐसा बड़ाई करते हैं मेरे चाचा ऐसे थे मेरे दादा ऐसे थे मेरे परदादा ऐसे थे मतलब कि अच्छा जो बिहेवियर है ब्रेव जो बहादुरी का काम होता है वो वहां देखने का आपको मिलेगा। ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है क्या एंड द फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज द कुर्गिस मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के पहले जनरल थे जनरल कौन थे वो थे जनरल करियप्पा थे। कौन थे जनरल करियप्पा कौन थे जनरल करियप्पा फर्स्ट कुर्गिस। वो क्या है जो जनरल करियप्पा वो कहा थे वो भी कुर्ग के थे कहां के थे वो कुर्ग के थे कुर्गी के थे। कुर्ग क्या है देश है ना देश नहीं है एक डिस्ट्रिक्ट है कहां पर है डिस्ट्रिक्ट जिला है क्या पर है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है तो कुर्ग क्या जिला है क्या है जिला है ना। तो वहाँ जो इंडियन आर्मी है क्या इंडियन आर्मी जनरल थे कौन थे कुर्ग है ना कौन थे वो थे जनरल करियप्पा। कौन थे जनरल करियप्पा कहाँ से बिलोंग करते थे वो करते थे कुर्ग से बिलोंग करते थे कहाँ से करते थे कुर्ग से बिलोंग करते थे। ठीक है उसका बहुत अच्छा मिला बुक में पढ़ने को है ना बहुत अच्छा सी कहानी सभी। नेक्स्ट बोल रहा है क्या नाउ इवन नाउ कोडास आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। देखिए कोडास जो है तो कोडास कहाँ पर है जो आपको कुर्गिस है कर्नाटक में तो कुर्गिस में आपको क्या मिलेगा वहां पर सभी को क्या और क्या है वहां पर फायर अंदर फायर दिखा दिया हुआ है फायर और मतलब क्या बंदूक होता है बंदूक रखने का अलाव दिया हुआ है। कहां पर है ओनली वन कहां पर है कुर्ग के लोग होते हैं उसे क्या दिया है उसे दिया गया क्या दिया हुआ है उसे बंदूक रखने का अलाव किया गया है। ठीक है अब अच्छे क्वेश्चन पे ये आपको समझ में आ गया तक तो क्या क्वेश्चन आपको समझ में काफी चस जाएगा। ठीक है और क्या व्हाट इज द वन डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ कुर्गिस पीपुल कुर्गिस पीपुल जो कुर्ग के लोग थे वहां के क्या डोमिनेंस है और क्या करते हैं वो सब ट्रेडिशनल ऑफ लव
क्या प्यार का परंपरा है वहां पर, या फिर ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, क्या वहां पर जो मेहमान जो खातेदारी होता है क्या उसके लिए परंपरा है, या फिर ट्रेडिशनल ऑफ हैट, या फिर घिरना की परंपरा है। तो मैंने आपको बताया कि वहां क्या परंपरा है, यहाँ पर दिया था, वहां पर क्या दिया था, परंपरा ये है कि यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी क्या है कि मेहमान जो खातेदारी होता है वो करना जो बहुत यहाँ पर माने जाते हैं। क्या दिया है ट्रेडिशनल, क्या दिया हुआ है ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, क्या दिया हुआ है ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि मेहमानदारी जो होता है, खातेदारी जिसको बोलते हैं, है ना, वो वहां पर क्या उसके लिए बहुत फेमस है वो। सो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म विदाउट ए लाइसेंस इन इंडिया। तो कौन से लोग हैं, कौन से, है ना, कि इंडिया में कहां पर ऐसे किसे परमिट किया गया है, क्या किसके लिए कि फायर आर्म तो नहीं रखी, मतलब कि जो बंदूक रखने के लिए किसे परमिट किया, परमिट में किसको परमिशन दिया गया है, तो किसे दिया गया है, देखिए तामिन्स को, या फिर कोडावस, या फिर बंगालिस, या फिर क्या दिया, ऑल ऑफ दिस। तो क्या जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कोडावस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोडावस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा कौन थे, तो क्या थे, फर्स्ट इंडियन नेवी चीफ, या फिर फर्स्ट इंडियन आर्मी फोर्स चीफ, या फिर फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, या फिर क्या, नॉन ऑफ दीज। तो क्या देगा, जो जनरल करियप्पा क्या थे, वो फर्स्ट इंडियन आर्मी क्या थे, आर्मी चीफ थे, क्या थे, आर्मी चीफ ना। तो ऑप्शन नंबर क्या सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, देखिए फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ जनरल करियप्पा दिखा हुआ है, तो क्या देगा, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी दैट इज कॉल्ड दैट, कौन है वो, है जनरल करियप्पा थे। इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पर क्या जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर में आगे बढ़ता हूँ, अध्याय 5 से, क्या है 5 में, क्या करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब क्या देखो जिनमें ऑप्शन में देखना है क्या कौन सा सही है, अब उसको टिक करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, स्टूडेंट थे, या फिर पेरेंट्स थे, या फिर टीचर थे, या फिर कौन थे, बॉयज थे, तो कौन अनप्रेडिक्टेबल थे, तो उनके लिए पेरेंट कौन थे, उनके लिए अनप्रेडिक्टेबल थे वो थे टीचर थे, क्यों, बिकॉज टीचर थे मिस्टर के सिंह, तो क्या करते वो, उसको क्या करते थे कि कोई भी एस्पेक्ट नहीं कर ले, जब क्यों, बिकॉज एन फ्रेंड कैसा थे, बहुत बातनी थी, कैसा थी, बक 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 करने वाली, तो क्या लिखा उसको, बोला गया था उसके टीचर ने, क्या बोल दिया कि तुम क्या लिखो, किस पे लिखो, उसको निबंध लिखने दिया था, किस पर, बातूनी पर, किस पे, बातूनी पर, चैटर बॉक्स पे, किस पे, चैटर बॉक्स लिखने दिया था, इसीलिए तो एन फ्रेंड के लिए कौन था, एन फ्रेंड के लिए जो उनके लिए अनप्रेडिक्टेबल क्या थे, उनके लिए टीचर थे, कौन थे, टीचर। सो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 बोले व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वांडा यूज्ड टू कमिंग फ्रॉम, बोलते वांडा पैटर्न की थी वो कहां से आती थी, वो तो किसे कहां से आती थी, ओलिवर स्ट्रीट से, या फिर वॉगिंग हाइट से, या फिर ओलिवर हाइट से, या फिर हिल टॉप से, तो कहां से आती थी, जो वांडा पैटर्न की थी वो कहां से आती थी, वॉगिंग हाइट। सो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है क्या, इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम, तो जो ब्लैक एरोप्लेन जो है कि द ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी है उस स्टोरी में ऑथर कहां से कहां जा रहे हैं, क्या रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, बताइए इंग्लैंड टू फ्रांस, क्या वो इंग्लैंड से फ्रांस जा रहे हैं, या फिर फ्रांस टू इंग्लैंड, क्या वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं, फिर फ्रांस टू न्यूयॉर्क, क्या फ्रांस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, या फिर इंग्लैंड टू पेरिस, क्या इंग्लैंड से पेरिस जा रहे थे, कहां जा रहे थे वो, फ्रांस से कहां जा रहे थे, इंग्लैंड की ओर जा रहे थे, कहां जा रहे थे, फ्रांस से इंग्लैंड। सो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 द पोस्टमास्टर वाज इंप्रेस्ड विद, द पोस्टमास्टर थे वो किससे इंप्रेस्ड हुए, पोस्टमास्टर डिविजन, या फिर क्लर्क वर्क, या फिर लैंचोस फेथफुल इन गॉड, या फिर हिज एम्प्लॉय विद डिवोशन, तो किससे थे, जो पोस्ट मास्टर थे वो किससे इंप्रेस हुए, तो लेंचो को जो भगवान पर विश्वास था उनके लिए क्या उसमें क्या हो गया था, वो बहुत इंप्रेस हो गए, क्यों इंप्रेस हुए, कोई भी इंसान ऐसा इंसान है जो भगवान से 100 रुपया मांग रहा है, क्या ऐसा कोई इंसान हो सकता है क्या, वो इससे इस बात को लेकर काफी हो क्या हो गए इंप्रेस हो गए, किससे हुए, तो लेंचो को भगवान पर विश्वास था उनको लेकर क्या बहुत इंप्रेस हो गए, कौन, तो पोस्ट मास्टर से, इसलिए इसका ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 30 में क्या बोल रहा है, When did
द इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक प्लेस। तो बताइए जो वहां पे साउथ अफ्रीका में जब फर्स्ट डेमोक्रेटिक जब टेक प्लेस तो किस दिन समारोह किया गया था, इनोग्रेशन समारोह किया गया था है ना, तो किस दिन कब गया था? तो बोल रहा है कि 10 जुलाई के 10 जुलाई को या फिर 10 मार्च या फिर 10 मई या फिर क्या है 10 फरवरी। तो कब किया गया था, तो कब किया बताइए, 10 जुलाई को या फिर 10 मार्च को या फिर 10 मई को या फिर 10 फरवरी। तो कब किया गया था, 10 मई। कब किया था, 10 मई को किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन होगा ऑप्शन में जो सी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट डू टू हर नेल। तो अमांडा जो क्या थी वो हमेशा अपने नाखून जो था नाखून काटते रहती थी, तो क्या अपने नाखून को काटते रहती थी, जो हमसे जो ना बोलते थे कि मत काटो अपने नाखून को, तो क्या कहते हैं वो फिर भी काटती थी। तो हमें क्या दिया, वॉश इट, नो। क्या दिया, हर्ट इट, नो। क्या दिया हुआ है, बाइट इट, यस बाइट इट। सो ऑप्शन में बी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, बोला क्या, इन गोवा ए बेकर इज नोन एज। तो गोवा के जो लोग हैं वो किसके नाम से जाने जाते हैं, क्या बेकर के नाम पे या फिर कबाई के नाम पे या फिर फादर के नाम पे या फिर बोल क्या है बोलिहांस। तो गोवा के जो बेकर हैं, तो पावर्टी बेचने वाले जो गोवा के लोग हैं जो बेचते हैं वो किस नाम से रहते हैं, बेकर या फिर कबाई या फिर फादर या फिर बोलिहांस। तो क्या था, जो गोवा के ब्लैक जो बेकर थे वो किस नाम थे, तो कबाई से, किस नाम थे, कबाई से। सो ऑप्शन जो बी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 33, पर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। बोलता है कि पूरा इंडिया में, कहां पर, पूरा वर्ल्ड में, पर इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में, पर दुनिया में प्रतिदिन कितना जो कप है चाय को पिया जाता है। तो पूरा दुनिया में प्रत्येक दिन एवरी डे कितना कप चाय को पिया जाता है प्रत्येक दिन। तो दिया हुआ है कि 100 करोड़, या दिया है 80,000 करोड़, या दिया 80 करोड़, या दिया है 90 लाख। कितना जगह, कितना कप चाय प्रतिदिन पिया जाता है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, कितना पिया जाता है वो 80 करोड़, कितना पिया जाता है 80 करोड़। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 34 में क्या बोल रहा है, ग्रिफिन सोलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम फिल द ब्लैंक्स एट सीट ऑफ ग्लास। तो जहां पर क्या क्या पर यहां पर क्या भरा गया, तो क्या भरेगा बताइए आप लोग, क्या जो फिल द ब्लैंक्स है इसमें क्या भरेगा। तो ग्रिफिन जो थे क्या पीने के बाद अदृश्य हो जाते थे है ना, तो क्या क्या पीते थे वो है ना, तो क्या रहा है, क्या था साइनिंग या फिर क्या थीन या फिर ट्रांसपेरेंट या फिर थिक। तो जब ग्रिफिन जो थे एक ड्रग्स को लेने के बाद जब पीते थे, तो दवाई मानने पर ड्रग्स मानने जो मानना, तो उसके पीने के बाद क्या अदृश्य होते थे, तो कैसे लगते थे वो, ट्रांसपेरेंट, मतलब कि अदृश्य मतलब क्या कुछ है ये नहीं वहां पर, तो क्या साइन चमकते थे वो, नहीं, थीन पतला था, थिक, नो, ट्रांसपेरेंट। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, बोला क्या, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबव व्हिच अनिल लिव। तो जो अनिल जो है अनिल जो रहते थे अनिल, तो वो कहां पर रहते थे, तो क्या दिया है, जुमन स्वीट शॉप या फिर लड्डू स्वीट शॉप या फिर जुमना स्वीट शॉप या फिर जुमना यमुना स्वीट शॉप। तो जो अनिल का जो जहां पर रहते थे उसका जो जहां पर क्वार्टर था जहां पर रहते थे अनिल, तो कहां पर रहते थे, तो क्या थे वो, जुमना स्वीट शॉप, क्या पर, जुमना स्वीट शॉप के जो दुकान जो मिठाई का दुकान था उसके ऊपर रहते थे, जुमना स्वीट शॉप। सो ऑप्शन जो सी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 36, देखिए 36 में क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर पंपरी मिसेस पंपरी थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। तो मिसेस पंपरी थी, जिसे मिसेस पंपरी थी वो किस बात को लेकर चिंतित होते थी है ना, कि सफरिंग फ्रॉम जो थिंक सोचते थे क्या, किस बात को लेकर सोचते कि क्या करना है नहीं करना है। तो व्हाट डज मिसेस पंपरी थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। तो क्या हो चुका था कि जो मिसेस पंपरी हमेशा सोच रही थी, तो क्या हो चुका था कुत्ते को बताइए, तो फीवर आ गया कुत्ता को या फिर मालन्यूट्रिशन हो गया था या फिर स्टमक पेन था या फिर क्या फूड स्टोर। तो जो कुत्ता था डॉग था ट्रिकी, तो ट्रिकी को क्या हो गया था, कुपोषण हो गया था। क्या हो गया था, कुपोषण, मतलब बहुत अधिक खिलाने में क्या था कुपोषण, उसको ऐसा सोच रही थी कि कुत्ता कितना क्या कुत्ता को कुपोषण हो गया है, इसलिए उससे क्या कर उसको पूरा खिलाते 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 पूरा इतना इतना खिला दी पूरा मोटा हो गया था। कैसा हो गया कुत्ता ट्रिकी, कैसा हो गया मोटी हो गई ना। तो क्या था पर, तो क्या माल न्यूट्रेशन को क्या सोचती है, कुछ डॉग है ट्रिकी है उसको क्या चुका है कुपोषण का शिकार है गई, इसलिए इसमें क्या एक्स्ट्रा डोज देने लगा, अंडा देने लगा है ना, हॉर्लिक्स देने लगा, जितना उसका चॉकलेट देने लगे। तो क्या होगा उस कुत्ता जो था डॉग ये ट्रिकी काफी क्या काफी थी मोटी हो गई, तो क्या जिससे मोटी हो गया बीमार पड़ने लगे ना।
तो व्हाट डिड मसिस्पेरो थिंक हर डॉग सफरिंग फ्रॉम, तो उसको क्या लग रहा था, लग रहा था कि माल न्यूट्रिशन मतलब क्या कुपोषण का शिकार हो गई है, इसलिए तो ऑप्शन जो बी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज फॉलोवर, तो फॉलोवर कौन थे, तो कौन थे बताइए, सेकर जैन थे या फिर स्पाई थे या फिर राइटर थे या फिर क्या थे, यंग राइटर थे, जो फॉलोवर थे फॉलोवर तो कौन थे, वो यंग राइटर थे, कौन थे, एक यंग राइटर थे, इसे जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेटर यहाँ पर वेटर नहीं थे यहाँ पर, तो क्या थे, राइटर थे, क्या थे, राइटर, एक्सप्लेनेशन से करना है, यहाँ पर वेटर नहीं होगा, क्या होगा, राइटर होगा, सो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, हॉरेस डेनबी वाज फॉन्ड ऑफ, तो हॉरेस डेनबी थे किसका शौकीन थे, वो तो हॉरेस डेनबी किसका शौकीन थे, वो बुक पढ़ने का शौकीन थे, किसका था, बुक पढ़ने का काफी शौकीन थे, देखिए क्या दिया हुआ है, वॉच मूवी नहीं, लिसनिंग टू म्यूजिक नहीं, गोइंग टू पार्क पार्क ये नहीं होगा, रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, तो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्या जाएगा, क्या जगह, रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, क्या जगह, देखिए दुर्लभ किताब है और क्या उसको पढ़ने के लिए काफी शौकीन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्या बोला इसमें, बोल रहा है क्या, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एमी फॉरेस्टर नेकलेस, तो जो जो क्या मटिल्डा चैप्टर का कैसा है मटिल्डा, तो मटिल्डा जो नेकलेस ली थी तो नेकलेस का क्या प्राइस था, किस लिए थे वो, तो लिए थी एनी फॉरेस्टर से ली थी, तो जो जो नेकलेस था मतलब क्या था, जो हार था उसका प्राइस क्या था, क्या प्राइस था उसका, तो प्राइस बताइए आप लोग क्या था, ये 5000 फ्रांस था या फिर 10000 फ्रांस था या फिर 5000 फ्रांस या फिर 100 फ्रांस, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया जितना दिया हुआ है चार चार ऑप्शन दिया है, चार क्या है, चारों गलत है, क्या वहां पर फाइव कितना था, वहां पर 500 था, क्या ऑप्शन था 500 था, यहाँ पर वन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 500 फ्रांस था, इसलिए क्या आपका जो सही कर लीजिएगा, आपको कितना था 500 था वहां पर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, 40 में क्या हो रहा है, व्हाट डिड द तहसीलदार, क्या दिया है, व्हाट डिड द तहसीलदार साहब आस्क रामलाल टू डू, तो तहसीलदार साहब थे उसने रामलाल को क्या बोले, बोले हैव टू डिनर विथ हिम, क्या उसको अपने साथ खाने के लिए बोले, या फिर ड्रॉप हिम टू द सिटी, क्या उसको शहर छोड़ने के लिए बोले, या फिर सेंड हिम द डॉटर टू स्कूल, क्या अपने अपने बेटी को कहाँ स्कूल भेजने के लिए बोले, या फिर दी, क्या बोले थे, जो तहसीलदार थे उसने रामलाल से कहे क्या क्या कि कहा उसने बोले क्या बोले बोले कि अपनी बेटी है उसे क्या वहाँ जो बोल क्या थे ना कि उसको जो बेटी है बेटी कहाँ भेजने के लिए बोले वो बोले क्या उसको कहाँ भेजो उसके स्कूल भेजो कहाँ भेजो स्कूल भेजो सो ऑप्शन जो सी है दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने जो ऑब्जेक्टिव था मैंने 1 से लेकर 40 तक सारा का सारा मैंने काफी अच्छा से आई थिंक और मैं काफी डिटेल्स में आपको समझाया बताया भी, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू, बाय।